बीजेपी का 400 पार का नारा कैसे पार होगा, इसकी तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। बीजेपी को भी पता है कि 400 पार नहीं जा रहे, इसलिए मोदी जी भी अब अपने भाषण में 400 पार का नाम तक नहीं लेते। मोदी जी गुजरात के हालात अच्छे से जान गए हैं। बीजेपी को पता चल गया है कि गुजरात की जनता का मूड क्या है, इसलिए तो पहले सूरत कांड कराया, अपने सांसद को निर्विरोध जिताया, अब इतने में थोड़ी काम चलता, इसलिए बीजेपी ने बूथ को ही कैप्चर कर लिया। और हद तो तब पार हो गई जब खुद लाइव आकर ये सब दिखाया और कहा ये ईवीएम मेरे बाप का है। मोदी सरकार में इतना विकास हुआ कि बूथ लूटना आसान हो गया। क्या लोकतंत्र की ऐसी ही हत्या होगी? आखिर अब भी चुनाव आयोग क्यों चुप है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बूथ लूटने या फर्जी वोट डालने के लिए अभी तक यूपी और बिहार बदनाम थे। यूपी में तो अब सत्ता के संरक्षण में वोट को लूटा जा रहा है, लेकिन गुजरात में डंके की चोट पर बीजेपी नेता बेईमानी कर रहे हैं, बूथ लूट रहे हैं। चुनाव में ही मोदी जी ने कहा था, याद दिला रहे थे कि ईवीएम का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पुराने दौर की तरह बूथ लूटना चाहते होंगे। और अब बीजेपी की पार्टी का ही नेता बूथ लूटता पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। अगर ये वीडियो ही वायरल ना होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, ये मामला भी बच जाता। क्या पता कितने बूथों पर ऐसी घटना हुई होगी। चुनाव आयोग तो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। चुनाव आयोग को तो ना कुछ बुरा सुनाई देता है, ना बुरा दिखाई देता है और ना ही बुरा बोलते हैं। लोकतंत्र के संरक्षक ने ही आंखों पर पट्टी बांध रखी है। गुजरात में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हुआ, लेकिन गुजरात में भी मतदान के दौरान धांधली हुई। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को खुद भी वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन दूसरी तरफ दाहोद में एक भाजपा नेता के बेटे ने बूथ में घुसकर कब्जा कर लिया। ईवीएम को उसने हाथ में ले लिया। उसने वहां से इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट पर बूथ पर कब्जा करने और फर्जी मतदान को लाइव भी किया। हालांकि गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया और अब ये कांड हो गया। अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे साइड पर 5-10 मिनट दे डाले, चलो तो नहीं आने आ गई, बस 5-10 मिनट दे डाले, चलो तो आपने बैठा चाहिए। ओके, मान से ही करवानी है। 2-5 मिनट साहब दे डाले, चलो तो आपने बैठा चाहिए। आका दिन में डाले छे ने हमला दबा वेर में लुटाई गयो। चालवा तो अभी रीतना ना चले, बीजेपी चले। बाबूर चाले ने मन गया मार चोदी ना किया मैं बीजेपी। अरे पप्पू काका घेरा लीजिए बस मारे तो आरो हेटो आर वांदो ने हेटो पसी मळी काम चालू ने तई जरू फोन करे तमने एक नंबर हो है नंबर है उ को ले लेते वो ले लिया हम सालू ऊपर और आओ ले लूं फोन 92-65-16-43-98 ओके फटाफट बोलो यार। अरे भाई दुफा फायर जो है मारा भाई भाई नू चाले बीजेपी बापोर एट बात थला एक चाले बापोर मशीन बसीन बढ़ू अपना बाप नु मशीन है बाप नु चलो रेडी
ग्रेड अबो रेडी 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 ओके डन जतुन बाबू डन ना काम लगे भाई एक चाल है विजय बाबू એટલે હું દબાવું છું ને તમે ટેન્શન નું કામ કરો છો સાહેબ થી સાહેબ ને હું મારો દંડ ખબર પડે હું બેઠો નહી દબાવવાનો એક તો આપડે દબાઈએ કોઈનું ના ચાલે એક જ ચાલે વિજય બાબુ ચાલે એટલે યાર પટાવો ને યાર ટાઈમ વેસ્ટ મત કરો જોતું યાર બાકી હું આ મશીન લઈને જતો રે ઘેરે હમણાં થાક્યો હું આ લોકો થી બાર છો ફટાફટ લાવો બાકી આ મશીન ઘેર લઈ જઈએ હમણાં હું એટલે તમે તે કરો ને તે દબાઈ દે દબાઈ ગયું આ બધું દબાઈ જાય તમારે ટેન્શન નહીં કરવાનું હા દબાઈ દીધું મેં દબાઈ દીધું તમે જો પતિ ગઈ વાત દબાઈ દીધું બાપુ મેં દબાઈ દીધું તમારા માટે મેં દબાયું ને આવી ગયો જશો ને બાપુ હા ઘર કયું સર પ્રથમ પ્રથમ પુર ગાવ પ્રથમ પુર ગોઠી સુના આપને हमें केवल 10 मिनट दीजिए हम यहीं पर बैठे हैं यहाँ पर वोटिंग सुबह से चल रही है ईवीएम पर फर्जी मतदान के लिए बटन दबाते हुए कहा ईवीएम मेरे पिता की है केवल एक ही चीज काम करती है और वो है बीजेपी यहाँ सिर्फ विजय भाभोर की ही चलती है देख लिया आपने कैसे खुलेआम लोकतंत्र के पर्व की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस ईवीएम के वीडियो के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि ड्यूटी स्टाफ उस वक्त या उसके बाद चुनाव आयोग से कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई यह भी सामने आया कि पुलिस ने विजय भाभोर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया बीजेपी ने दाहोद लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद जसवंत सिंह भाभोर को रिपीट किया था तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रभा किशोर तवियाड़ को मैदान में उतारा इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की लोकसभा कैंडिडेट प्रभा तवियाड़ की तरफ से आयोग को शिकायत भेजी जा रही है दोस्तों कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में वीडियो के सबूत के साथ की इसके बाद महीसागर जिले की पुलिस ने विजय भाभोर और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया हालांकि काफी आलोचना के बाद भाभोर ने वीडियो हटा दिया लेकिन यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सीनियर नेता के बेटे विजय भाभोर ने प्रथमपुर गांव के बूथ में घुसकर पहले ईवीएम पर कब्जा किया विजय ने फर्जी वोटिंग की अपने हाथों में ईवीएम को लिया उसने इस घटना को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी किया बूथ पर तैनात सरकारी कर्मचारी से भी बदसलूकी की दाहोद के रिटर्निंग ऑफिसर निर्गुड़े बबन राव ने कहा कि वोट डालने के लिए मतदान बूथ पर जाने के बाद एक व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइव प्रसारित करने की घटना की जांच की जा रही है उन्होंने कहा हमें शिकायत के साथ वीडियो मिला है और जांच चल रही है कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ ने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है जो यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी भी है चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दाहोद में 58.66% मतदान हुआ महीसागर के एसपी जयदीप सिंह जाडेजा ने कहा हमने दो लोगों को हिरासत में लिया है
और फर्जी मतदान के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने कहा, विजय भाभोर शाम 5:49 पर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र के अंदर गया और 5:54 पर वहां से चला गया। उन 5 मिनटों में वो इंस्टाग्राम पर लाइव हुआ और फर्जी वोटिंग का सहारा लेते हुए कथित तौर पर 2 अन्य मतदाताओं की ओर से वोट भी डाला। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इस घटना के बाद प्रथमपुर में बूथ संख्या 220 पर पुनर्मतदान की मांग की है। अब सातवीं खबर ये भी है कि सतरामपुर विधानसभा के एक बूथ पर 11 मई को फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में मंगलवार को करीब 59.51% मतदान हुआ। यह राज्य में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सबसे कम मतदान है। पिछले 1 दशक में गुजरात में घटते मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच चिंता पैदा कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात के 25 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केवल 59.51% रहा। यह 2019 के 64.51% मतदान और 2014 के 63.66% मतदान से कमी दर्शाता है। 4.69 करोड़ पात्र मतदाताओं में से केवल 2.85 करोड़ व्यक्तियों ने मतदान किया, जबकि 1.90 करोड़ ने मतदान नहीं किया। मतदान में गिरावट की कई वजह बताई जा रही है। जनता का मोह भंग होना, स्थानीय शिकायतों को ना सुना जाना सबसे बड़ा संकट खड़ा कर रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जाति समूहों के बीच असंतोष एक केंद्रीय मुद्दा गुजरात में बना हुआ है। क्षत्रिय पटेल जैसे प्रभावशाली जाति समुदायों का मोहभंग भाजपा की चुनावी जीत को प्रभावित कर रहा है। कुछ जगहों पर मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार भी किया। भरूच जिले के केसर गांव, सूरत जिले के सनाधारा और बनासकांठा जिले के भाकरी में मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार किया। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जूनागढ़ जिले के भटगाम गांव के साथ साथ महीसागर जिले के बोडाली और कुंजारा गांवों में मतदाताओं ने आंशिक रूप से मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया। मतदाताओं को कतार में इंतजार कराते हुए फर्जी वोट डालते देखा गया। यहां तक कि फेसबुक पर लाइव होकर यह भी कहा कि प्रशासन मुझे छू नहीं सकता। साफ तौर पर दिखाता है कि वह बड़े अधिकारियों के आदेश के अनुसार काम कर रहे थे और पुलिस इस घटना पर मूकदर्शक बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग पर लगता है। आखिर चुनाव आयोग अभी भी चुप क्यों है? चुनाव आयोग ने एक दावा किया था कि मतदान का सीधा प्रसारण किया जाएगा, लेकिन उनका इससे ये मतलब था हमें ये नहीं पता था। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।